देखो अब कोरोना के बाद अगर जिंदगी में सबसे ज्यादा डर किसी चीज से लगा है तो वो ये मूवी है कोड नेम तिरंगा, जिसमें ये टाइगर श्रॉफ की बहन परिणीति चोपड़ा और हार्डी संधु है। तो मूवी के अंदर मजाक होता क्या है कि मूवी में एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल होता है 2001 से, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। तो उसको मारने के लिए स्पेशल ऑप्स एजेंसी वाले परिणीति चोपड़ा को एक मिशन पर भेजते हैं, और फिर इसके बाद भाई साहब ये बंदी अकेले ही बिना टीम के निकल जाती है उस क्रिमिनल को मारने के लिए। अब माना कि तुम एक ट्रेंड ऑफिसर हो, लेकिन मैडम तुम्हारे सामने 100-200 बॉडी बिल्डर जैसे गुंडे बैठे हैं बड़ी बड़ी बंदूक को लेकर तुमको मारने के लिए, तो कम से कम थोड़ा बहुत तो सोचो। लेकिन यार जब टाइगर श्रॉफ बागी 3 में अपने भाई को बचाने के लिए सीरिया की लंका लगा देता है अकेले ही, तो परिणीति चोपड़ा क्यों नहीं कर सकती? कमाल की बात तो ये है कि सारे के सारे गुंडों के पास बड़ी बड़ी गन होने के बाद भी परिणीति को एक भी गोली नहीं लगती है, और वो अकेले ही सारे गुंडों को मार देती है, क्योंकि वो किसकी बहन है। मूवी के नाम में तिरंगा है तो मूवी में भाई देशभक्ति तो दिखानी पड़ेगी ना, तो उसके लिए ये लोग कहीं भी शंख बजा देते हैं, जिसको सुनकर ऐसा लगे कि ये देशभक्ति वाली मूवी है। मतलब कि ये लोग देशभक्ति के नाम पे हमको क्या बना रहे हैं, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं।